तो आईएनएस विक्रांत के देसी अवतार को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सागर प्रहरी को विराट, विहंगम और विशेष करार दिया है। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जहां तो आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता किला है, जहां सब कुछ है, इतना विशाल कि मानो कोई शहर समंदर में तैर रहा हो। अंदर से कैसा दिखता है यह भव्य विमानपोत, आपको हम दिखाते हैं सीधे आईएनएस विक्रांत से ही। देखिए जरा, आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय नौसेना की मारक क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हूं और ये ब्रिज एरिया है जहां से ये शिप कंट्रोल होता है। इसके साथ ही ये करीब 15 मंजिलें इस पर हैं। इस वक्त हम 10वीं मंजिल पर ये डेक एरिया में मौजूद हैं, जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर ये एरिया है। और इसमें इसकी अगर दूसरी क्षमताओं की बात की जाए, 45,000 टन इसका वजन है, 1700 नौसैनिक इसमें एक वक्त पर सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही लड़ाकू विमान MiG-29, कामोव और दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस पर मौजूद होंगे। आईएनएस विक्रांत से जुड़े कुछ अनसुने पहलू से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई करीब 52 मीटर है। बात की जाए, इसमें जो स्टील लगा हुआ है करीब 4 एफिल टावर के बराबर स्टील का इसमें इसके निर्माण में इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा 2400 मीटर लंबी केबलिंग इसके अंदर की गई है। और इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो साल 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। उस वक्त भी मैं यहां पर आया था इसकी कीलिंग सेरेमनी के लिए और अब इसकी कमिश्नरिंग की तैयारी की गई है। कैमरामैन सत्य के साथ मैं जितनेगी आईएनएस विक्रांत, कोची आज तक। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के एक महत्वपूर्ण कंपार्टमेंट शिप कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं, जहां से शिप को ऑपरेट करने की तमाम जो गतिविधियां हैं वो उन पर निगरानी रखी जाती है, चाहे इंजन हो, एसी कंपार्टमेंट हो, उसके अलावा आरओ सिस्टम और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां जिससे शिप समंदर में चलता है। और यहां पर मॉनिटर करने के लिए तमाम तरह के उपकरण नजर आ रहे हैं जिन्हें डिजिटल के तौर पर मॉनिटर किया जाता है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष श्रीवास्तव है। आपसे जानना चाहूंगा कितना महत्वपूर्ण है शिप कंट्रोल सेंटर और यहाँ पर किस तरह से आप मॉनिटर करते हैं गतिविधियों। शिप कंट्रोल सेंटर को जैसे आपने बताया कि हम शिप का हार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ से जितने भी हमारे को कमांड जाते हैं, जितने भी मेन प्रोपल्शन सिस्टम, 4 GTs फिटेड हैं शिप में, 4 इंजन्स, 8 डीजल अल्टरनेटर्स, AC प्लांट जितने भी फिटेड है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने IPMS सिस्टम के थ्रू मॉनिटर कर सकता हूँ कि इफ एनी इमरजेंसी अराइजेज मैं उसको सॉल्व करूँ बिफोर कोई गलती हो। और जितने भी कमांड मुझे ब्रिज से आएंगे मैं शिप को मूव करने के लिए यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ।
किसी भी इमरजेंसी में किस तरह से सिग्नल आपके पास पहुंचते हैं और फिर उस पर एक्शन होता है? यहाँ पे जितने भी आप कंसोल देख रहे हैं ये हमारे कुछ ना कुछ सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए लगे हैं। वहाँ पे मेरे जीटीज को मॉनिटर किया जा रहा है, यहाँ मेरे ऑक्सिलरीज को मॉनिटर किया जा रहा है। तो कोई भी अगर अलार्म रेज होता है किसी भी सिस्टम से जो सेंसर फिटेड है, चाहे वो इक्विपमेंट नीचे फिटेड हो या दो डेक ऊपर फिटेड हो, यहाँ पे मेरे को सिग्नल आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना एक्शन लेके उस इमरजेंसी को सॉल्व कर सकता हूँ। चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों ना हो, मैं उसको भी यहाँ बैठ के स्टार्ट कर सकता हूँ। कितनी नौसैनिक अधिकारियों की जरूरत होती है आपको यहाँ पर, और ये सेंटर आपका दिन रात 24 घंटे चलता है? जी, ये मेरा शिप सेंटर कंट्रोल सेंटर 24 घंटे मैन रहता है। एक ईओडब्ल्यू यहाँ बैठ के सारे ऑक्सिलरीज को ओवरऑल कंट्रोल करता है और उसके साथ जितने भी वॉच कीपर्स हैं हमारे, वो अराउंड द क्लॉक वॉच रखते हैं सिस्टम पे, और इफ रिक्वायर्ड एक रोलिंग वॉच कीपर कैन गो अराउंड एंड सी इक्विपमेंट। शिप कंट्रोल सिस्टम जो कि एक तरह से शिप का, इस युद्धपोत का हार्ट है, हृदय है, जहां से उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है 24 घंटे दिन रात, और किसी भी आपदा के आने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सत्य के साथ मंजीत नेगी, INS विक्रांत, कोची, आज तक।